अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहसिन रज़ाक और आज की वीडियो में हम आपको फुल गाइड करने वाले हैं कि नारान का गान टूर के बारे में आपको फुल गाइड करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम नारान का गान की सड़क के बारे में आपको बताएंगे, क्या नारान का गान की सड़क बिल्कुल ठीक है या ख़राब है, क्या आप अपने सफ़र को खूब इंजॉय कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम मज़ीद ऐसी वीडियो बनाएं और आपके सामने पेश करते रहें। तो फ्रेंड्स, हम आपको अपडेट देने के साथ साथ रास्ते में आने वाली खूबसूरत जगहों का भी नज़ारा कराएंगे। तो फ्रेंड, ये जो सीन आपको नज़र आ रहा है ये दरअसल बर्फ़ के पानी पिघलने की वजह से, बर्फ़ का पानी रोड साइड के करीब आता है और यहाँ पर रोड में खूबसूरत नज़ारा बनाता है। और तो फ्रेंड्स, आपको रास्ते में ऐसी ही जगह दिखाई देगी जो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और आप अपने सफ़र को काफ़ी इंजॉयएबल बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वादी नारान का गान के रास्ते की बात की जाए तो वादी नारान का गान का रास्ता मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह से हुआ है और ये इस बना पर हुआ है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ के जो ग्लेशियर्स आने की वजह से हमारा रोड ख़राब है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से ख़राब है और मुख्तलिफ जगह बिल्कुल ठीक हैं, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम नारान पहुंच गए हैं तो आप ये नारान का व्यूज भी चेक कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप नारान का गान पहुंच जाएं तो आपको अपने सफर को इंजॉयबल बनाने के लिए नारान से 10 मिनट के से आगे आपको राफ्टिंग और जिप लाइन जैसी चीजों से आप अपने सफर को काफी इंजॉयबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको सीन नज़र आ रहा है ये दरअसल राफ्टिंग है। ये नारान से आप थोड़ा से आगे आएंगे तो आपको ये सीन देखने को मिलेगा और ये आप इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये जो एफी बंदा होता है ये 750 रुपये में एफी बंदा 2-3 किलोमीटर से आगे सफ़र तय कर सकता है और इस पर काफ़ी इंजॉय कर सकता है। तो फ्रेंड्स, नारान से आगे की जो सड़क है उसके बारे में बात की जाए तो नारान से आगे की जो सारी सड़क है वो किसी मोटरवे से कम नहीं है, क्योंकि किसी जगह से भी कोई ख़राबी नहीं है। वहाँ से आगे आप टॉप तक आधे घंटे में आप मुकम्मल सफ़र कर सकते हैं।